मात्रा में हथियारों का जखीरा मिला है, क्या कुछ कहते हैं? देर रात पुलिस की वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया था। एएसपी अभियान के नेतृत्व में जब दो गाड़ी को चेक करने की कोशिश की गई तो गाड़ियां भागने लगी, उन गाड़ियों को रोका गया और जब उनको चेक किया गया तो सिविल में करीब 9-10 आदमी पाए गए और देखा गया कि भारी मात्रा में हथियार हैं। उनको चेक किया गया तो 3 हथियार ऐसे थे जिनकी रिमॉडलिंग की गई थी, 1 हथियार ऐसा था जिसका कोई ओनर नहीं था और कुछ हथियार का वो लाइसेंस दिखाए जो कि वेरीफाई किया जा रहा है कि JNK का भी लाइसेंस है और 13 लोगों को टोटल डिटेन इसमें किया गया है क्योंकि रीमॉडलिंग की कोई परमिशन नहीं ली गई है, उसमें संबंधित धारा में FIR हो रही है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। सर, सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक से जिस तरह से हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो लाइसेंस का सत्यापन करते हैं, ये सत्यापन नहीं करते कि हथियार कौन सा, इसी एवज में 3 असेंबल किए हुए हथियार यूज़ किए जा रहे थे। निश्चित रूप से कोई भी उनको इस चीज़ को सत्यापन करना है और जो भी लोग उनके पास आ रहे हैं उनको वेरीफाई करना है, जिम्मेवारी उनकी होती है कि सत्यापन करवाएं कि किसके पास आर्म्स है और कौन कौन उनके पास आ रहा है। ऐसे ही आप बिना सत्यापन के हथियार और उनको नहीं रख सकते, वो जांच का विषय है जिसमें हम जांच करवा रहे हैं। सर, कार्रवाई होगी, जेल जाएंगे लोग? निश्चित रूप से जो भी दोषी पाया जाएगा जेल जाएगा। अभी तो प्रथम दृष्टि हम लोग जांच करवा रहे हैं पर कुछ चीज़ें जो है वो गलत सामने आई। सर, अपने साथी